आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। आज आयुर्वेद समाधान में हमारे साथ हैं जाने माने वैद्य जी श्री आर निवास जी। मुझे बहुत से लोग जो है ये पूछते हैं कि भई ये नाभि टलना, तो नाभि टलने के लिए या तो मलवाने के लिए कहीं जाते हैं या खींच तान करते हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेदा के अंदर मैं एक ऐसी जड़ी बूटी को बताने जा रहा हूँ जिसको समुद्र फैन कहते हैं। समुद्र फल, समुद्र फैन, समुद्र सोस, ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन हमें लेना है मात्र जो है समुद्र फल। समुद्र फल जो समुद्र फल है वो उसका आकार जिस तरह से जायफल होता है या छोटी सुपारी उसके सदृश्य होता है, तो लगभग 3 नग, हम नग कहेंगे ना इसको, उसको ग्राम में क्या कहेंगे, 6 ग्राम के करीब जो है होता है, उसका बारीक पाउडर बना करके 1/2 किलो दही के अंदर डाल करके खाने से 2-3 दिन के अंदर नाभि यथोस्थान अपने स्थान पर आ जाती है। और इसका मैं दूसरा एक और आपको बताता हूँ नुस्खा, नख छिकनी, यानी उसको सूंघने से छींके आती हैं इसलिए उसको नख छिकनी बोलते हैं। उसका जो है पाउडर, नख छिकनी का पाउडर देने से भी नाभि यथोस्थान पहुंच जाती है। नाभि हट जाती तो क्या क्या परेशानियां होती हैं? नाभि हट जाने से जो परेशानियां होती हैं वो कहते हैं जी मेरे पेट में दर्द है, हिला नहीं जा रहा है, मुड़ा नहीं जा रहा है, मैंने वजन उठा लिया था, मेरा डाइजेशन ठीक नहीं है, मतलब बार बार या तो सोच आता है या कब्ज हो जाता है, पेट में दर्द बना रहता है, ऐसे लक्षण नाभि के ही उसमें होते हैं। दूसरा तीसरा मैं आपको बताता हूँ अदरक का रस। अब अदरक का रस कितना निकालेंगे, आप कैसे निकालेंगे, तो अदरक को कूटिएगा और कूटने के बाद में उसका जब वो चटनी जैसी हो जाए, यानी कूटा हुआ अदरक उसको ढक के रख दीजिएगा, फिर कपड़े में छान लीजिएगा, काफी रस निकलेगा, उसमें पट्टी भिगो करके नाभि के ऊपर रखें 1/2 घंटा नित्य, एक दिन 1/2 घंटे के करीब रखेंगे तो मेरे हिसाब से तो एक ही दिन में विश्राम मिल जाएगा, नहीं तो दूसरे दिन भी रख सकते हैं, तीसरे दिन भी रख सकते हैं। तो इस तरह से नाभि को बिना किसी खींचतान के और आप इससे आराम पा सकते हैं। समुद्र फल के फल को पानी के अंदर पीस करके बालों में लेप करने से बाल काले हो जाते हैं, और बालों को सुंदर बनाने के लिए या बाल झड़ते हैं उनको रोकने के लिए कलौंजी तेल, मैं पहले भी और लोगों के लिए भी बता चुका हूँ क्योंकि कलौंजी हर चीज़ में काम आता है, तो यहाँ आई बालों की वाली बात तो मैंने इसलिए बताने जा रहा हूँ कि कलौंजी का तेल, और कलौंजी के तेल के अंदर कुछ बूंदे नींबू की डाल करके बालों की जड़ों में लगाएं, बाल झड़ना भी रुक जाएंगे और जो है बालों की सुंदरता बढ़ जाएगी। सवेरे आप मुल्तानी से या किसी भी साबुन से उसको धो सकते हैं। वैद्य जी द्वारा दी गई यह जानकारी आयुर्वेद पर आधारित थी, इसको डॉक्टर की राय के रूप में ना लिया जाए, ये आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की शिक्षा मात्र है। इस संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है ayurvedsamadhan@gmail.com। आयुर्वेद के ऐसे ही समाधानों के लिए और हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें आयुर्वेद समाधान।